दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए गैजेट्स वाला चैनल को और बेल आइकन को दबाइए टेक से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों ये है जियो का 4G वोल्टी फीचर फोन और इस फोन में बहुत सारे फीचर्स दिया गया है और बहुत सारे शॉर्टकट्स भी इस फोन में दिया गया है। आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा जियो 4G वोल्टी फीचर फोन की कुछ शॉर्टकट्स फीचर्स और टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। अगर आप ये वीडियो देखते हो और फॉलो करते हो ये फीचर्स एंड टिप्स एंड ट्रिक्स तो आपका डे टू डे यूसेज जियो फोन के साथ बहुत हद तक इजी हो जाएगा। तो दोस्तों मेरे साथ रहिए देखते रहिए, मैं हूं सुमन और आप देख रहे हो गैजेट्स वाला। तो चलिए देखते हैं जियो फोन का फीचर्स टिप्स एंड ट्रिक्स या आप कह लीजिए शॉर्टकट्स। दोस्तों पहला जो शॉर्टकट्स है, अगर आप इस फोन को लॉक करना चाहते हो तो आपको जो स्टार बटन यहां पे दिख रहा है इसको प्रेस एंड होल्ड करना होगा और ये आपका लॉक हो जाएगा। अगर आप अनलॉक करना चाहते हो तो स्टार बटन को फिर से प्रेस एंड होल्ड कर दीजिए और ये अनलॉक हो जाएगा। दूसरा वाइब्रेट और रिंगटोन, अगर आप फोन को वाइब्रेट मोड में ले आना चाहते हो तो उस हैश बटन को प्रेस एंड होल्ड कर दीजिए और ये वाइब्रेट मोड पे चला जाएगा। अगर आप फिर से रिंग मोड में आना चाहते हो तो फिर से हैश बटन को प्रेस एंड होल्ड कर दीजिए तो ये फिर से रिंग मोड में चला आएगा। एक बात मैं यहां पे कहना चाहता हूं, इसका जो स्पीकर का आउटपुट है बहुत ही लाउड है, बहुत ही क्रिस्प है, क्लियर है, आपको कोई भी कॉल मिस नहीं होगा। और एक बात, जो 3.5mm का हेडफोन यहां पे जैक दिया गया है इसका आउटपुट ऑसम है, मुझे बहुत अच्छा लगा इसका साउंड क्वालिटी। चलिए बात करते हैं आप तीसरा फीचर्स की, वो है स्पीड डायल। यहां पे बहुत सारी न्यूमेरिक कीपैड्स दिया गया है और सारी बटन्स पे आप आपके हिसाब से कोई भी फेवरेट कॉन्टैक्ट को यूज कर सकते हो या असाइन कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना होगा, कोई भी जो बटन्स पे आप यूज करना चाहते हो उसको प्रेस एंड होल्ड करना होगा। जैसे कि मैं चाहता हूं कि 4 नंबर पे कोई नंबर मैं यहां पे असाइन करना चाहता हूं तो इसको प्रेस एंड होल्ड करना होगा। यहां पे दिखा रहा है कॉन्टैक्ट वॉज नॉट एडेड एज स्पीड डायल ऑन बटन 4 असाइन नाउ, तो अगर मैं असाइन करना चाहता हूं तो यहां पे मुझको दबाना होगा और ये असाइन हो जाएगा। तो आपके हिसाब से कोई भी नंबर पे आप आपकी फेवरेट कॉन्टैक्ट को असाइन कर सकते हो और स्पीड डायल का मजा भी ले सकते हो। तो नेक्स्ट जो फीचर्स हैं वो है सॉस, यानी आप इमरजेंसी के टाइम इमरजेंसी कॉन्टैक्ट को कम्युनिकेट कर सकते हो। इसलिए आपको 5 को दबाना होगा, जैसे मैं यहां पे प्रेस एंड होल्ड कर रहा हूं और देखिए इमरजेंसी कॉल यहां पे लग गया, पर मैं यहां पे असाइन नहीं किया हूं, आप एम्बुलेंस या पुलिस जो भी आपके हिसाब से आप यहां पे असाइन कर सकते हो। चलिए देखते हैं और एक नया फीचर्स, यहां पे 0 बटन्स दिया गया है। अगर आप इसको प्रेस एंड होल्ड करते हो तो आपका यहां पे ब्राउजर खुल जाएगा, जैसे यहां पे खुल गया, आप यहां से डायरेक्ट ब्राउजिंग भी कर सकते हो। अगर यहां पे ऑप्शंस पे नजर डाला जाए तो यहां पे आपको बहुत सारी ऑप्शंस मिल जाएगा, जैसे क्विट, वॉल्यूम, रिफ्रेश, गो टू टॉप साइट्स और पिन टू टॉप साइट्स और व्यू मैसेजेस। अगर मैं यहां पे गो टू टॉप साइट्स तो आप जो जो वेबसाइट्स को सर्च किए हो या सर्च किए हो आपका हर एक जो वेबसाइट्स है वो यहां पे दिखाएगा। दोस्तों नेक्स्ट जो फीचर्स है वो है वीडियो कॉल, आप इस फोन के द्वारा वीडियो कॉल भी कर सकते हो और यहां पे लेफ्ट साइड में आपको एक बटन्स दिया गया है और यहां पे डायल पैड और वीडियो का ऑप्शंस है। अगर आप इसको प्रेस एंड होल्ड करते हो तो यहां पे डायरेक्ट वीडियो चैट सर्विस स्टार्ट हो जाता है और आप यहां से वीडियो कॉल कर सकते हो। अगर आप इस फोन की हेल्प से वीडियो कॉलिंग करना चाहते हो, जिस बंदे को आप फोन कर रहे हो उसके पास भी ये जियो फोन होना चाहिए, ये मेरे हिसाब से एक छोटा सा कॉन्स लगा। अगर आप वीडियो कॉलिंग करना चाहते हो तो और एक बंदे के पास भी ये जियो फोन होना जरूरी है, तो ये भी एक अच्छा फीचर्स मुझे लगा। दोस्तों नेक्स्ट जो फीचर्स वो पे का ऑप्शन, यहाँ पे जियो पे का ऑप्शंस दिया गया है एकदम लिप साइड की ऊपर में और यहाँ पे अगर आप प्रेस एंड होल्ड करते हो तो यहाँ पे आपको ये जियो पे मिनी खुल जाएगा, पर अभी के लिए ये नहीं खुलेगा क्योंकि ये एप्स अभी के लिए फिलहाल चालू नहीं हुआ है। तो दोस्तों नेक्स्ट जो फीचर्स वो है बैक, आपको यहाँ पे राइट साइड में एक रेड कलर का बटन मिल जाएगा और ये बैक बटन के जैसे यूज होता है।
दोस्तों चलिए नेक्स्ट जो फीचर्स और वो है टॉर्च। दोस्तों यहां पे आपको एक नेविगेशन की, फोर वे नेविगेशन की देखने को मिल जाएगा। ये फोर वे नेविगेशन में आपको शॉर्टकट्स देखने को मिल जाएगा। चलिए अगर आप यहां पे देख सकते हो, यहां पे टॉर्च दिया गया है। अगर आप इसको एक्टिवेट करना चाहते हो तो ऊपर की तरफ आपको प्रेस एंड होल्ड करना होगा और देखिए टॉर्च ऑन हो चुका है। अगर आप इसको ऑफ करना चाहो तो फिर से आपको प्रेस एंड होल्ड करना होगा ऊपर की तरफ और ये ऑफ हो जाएगा। दोस्तों चलिए राइट साइड में देखते हैं क्या शॉर्टकट दिया गया है। अगर आप राइट साइड को प्रेस एंड होल्ड करते हो तो यहां पे कैमरा खुल जाएगा, तो ये कैमरा के लिए दिया गया है। ये अगर आप लेफ्ट साइड में प्रेस एंड होल्ड करते हो तो आपको ये मैसेज यानी जियो चैट या जियो मैसेज दिखा देगा। अगर आप नीचे की तरफ प्रेस एंड होल्ड करते हो तो आपको ये जियो म्यूजिक में ले आएगा। तो बहुत सारा फीचर्स या शॉर्टकट्स यहां पे दिया गया है। जो नेक्स्ट जो फीचर्स है मेरा फेवरेट है वो है हेलो जियो या वॉइस असिस्टेंट। यहां पे आप देख सकते हो एक वॉइस डायल दिया गया है। अगर आप इसको प्रेस एंड होल्ड करते हो तो ये ऑन हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे काम करता है। कॉल मा एयरसेल, ये प्रोसेसिंग हो रहा है। देखिए ये कॉल लग गया। तो बहुत अच्छा फीचर्स हैं। सिर्फ इस एप्स में ही ये काम करता है ये नहीं, आप मैसेज पे भी ये यूज कर सकते हो और कोई भी एप्स में अगर और कोई भी एप्स में आप ये यूज कर सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट फीचर्स के बारे में बात किया जाए, वो है टॉगल्स। आप जैसे आपके एंड्रॉइड फोन में आप ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ अगर ड्रैग करते हो तो आपको काफी सारी शॉर्टकट टॉगल्स देखने को मिलता है। इसमें भी वैसा ही कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको ऊपर की तरफ एक बार प्रेस करना होगा और आपको यहाँ पे टॉगल्स देखने को मिल जाएगा। तो ऊपर की तरफ आपको मिल जाएगा फ्लाइट मोड, ब्राइटनेस, कैमरा, वाईफाई, ब्लूटूथ, कैलकुलेटर, टॉर्च, वॉल्यूम और डेटा। तो इतना सारा आपको टॉगल्स यहां पे मिल जाएगा जो स्मार्टफोन के तरह ही देखने को लगता है। तो चलिए नेक्स्ट फीचर्स के बारे में बात करते हैं। दोस्तों यहां पे अगर आप कोई भी गाना सुन रहे हो यानी जियो म्यूजिक पे अगर आप गाना सुन रहे हो तो वहां पे भी कुछ शॉर्टकट्स आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं कैसा ये शॉर्टकट्स हैं। जैसे कि आप यहां पे देख पा रहे हो यहां पे काफी सारी ऑप्शंस दिखा रहा है, वीकली टॉप, न्यू रिलीजेस। तो चलिए कोई भी एक गाना मैं सुनता हूं, वीकली टॉप पे क्लिक करता हूं और यहां पे बहुत सारा गाना दिया गया है। तो चलिए एक को प्ले करते हैं। देख सकते हो यहां पे म्यूजिक चल रहा है और यहां पे अगर आप टू को प्रेस एंड होल्ड करते हो तो यहां पे काफी सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएगा। अगर आप म्यूजिक प्लेयर को ऑफ करना चाहते हो तो आपको जीरो बटन को दबाना होगा। मैं अगर यहां पे जीरो दबाता हूं तो ये प्ले हो रहा है, अगर मैं जीरो फिर से दबा रहा हूं तो ये पॉज भी हो रहा है। तो ये काफी हद तक अच्छा फीचर्स मुझे यहां पे मिला जो आपको काफी हद तक इजी लगेगा यूज करने में। दोस्तों उसके बाद काफी सारी यहां पे फीचर्स दिया गया है यानी सेटिंग्स के अगर बात किया जाए तो अगर आप सेटिंग्स पे जाते हो तो यहां पे आपको काफी सारी फीचर्स देखने को मिल जाएगा। फर्स्ट जो है नेटवर्क एंड कनेक्टिविटी, एयरप्लेन मोड यहां पे दिया गया है, मोबाइल नेटवर्क डेटा यहां पे दिया गया है, वाईफाई दिया गया है, ब्लूटूथ दिया गया है, एनएफसी का भी सपोर्ट है और जियो लोकेशन भी यहां पे दिया गया है, कॉल सेटिंग्स का ऑप्शन भी यहां पे दिया गया है, इमरजेंसी अलर्ट दिया गया है। अगर आप उसके बाद यहां पे देखो तो यहां पे पर्सनलाइजेशन दिया गया है। साउंड आप अगर क्लिक करते हो तो आपको वॉल्यूम, टोन्स और अदर साउंड का ऑप्शन मिल जाएगा। उसके बाद अगर आप डिस्प्ले में क्लिक करोगे तो आपको यहां पे वॉलपेपर, ब्राइटनेस, यहां पे ब्राइटनेस आप 100% तक इंक्रीज कर सकते हो। ब्राइटनेस बहुत ही अच्छा है, क्रिस्प एंड क्लियर है और आप इसको डिम भी कर सकते हो। उसके बाद आपको मिल जाएगा स्क्रीन टाइम आउट, आपके हिसाब से कितने देर तक आप स्क्रीन को ऑन करना चाहते हो ये आपके हिसाब से यहां पे सेट कर सकते हो। इसके बाद कुछ भी नहीं और यहां पे दिया गया है। उसके बाद सर्च, आप यहां पे गूगल या आपके हिसाब से कोई भी सर्च इंजिन को यूज कर सकते हो। उसके बाद यहां पे दिया गया है अलर्ट्स और डेट एंड टाइम, लैंग्वेज ये 21 लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, इंग्लिश, हिंदी, बंगाली, असमिया एटसेट्रा, और इनपुट मेथड्स भी यहां पे दिया गया है। उसके बाद यहां पे प्राइवेट एंड सिक्योरिटी, स्क्रीन लॉक दिया गया है। अगर आप स्क्रीन लॉक में जाओ तो आपको एक नया फीचर्स देखने को मिल जाएगा। अगर आप स्क्रीन लॉक को ऑन करना चाहते हो तो यहां पे ऑन कर दो और यहां पे आपको पासवर्ड
आपको ये चाहेगा और आप यहाँ पे पासवर्ड को इनपुट करने के बाद इसको अनलॉक करने के लिए यूज कर सकते हो। तो ये बहुत ही अच्छा एक फीचर्स मुझे लगा। सिम सिक्योरिटी, ऐप परमिशन, डू नॉट ट्रैक और ब्राउजिंग प्राइवेसी दिया गया है और यहाँ पे स्टोरेज दिखा रहा है। ये काफी सारी स्टोरेज के साथ तो नहीं आ रहा है, 4 GB का आपको यहाँ पे स्टोरेज देखने को मिलता है और ओनली एप्लीकेशन स्टोरेज 1.21 GB अवेलेबल है। उसके बाद यहाँ पे मीडिया स्टोरेज, एप्लीकेशन स्टोरेज दिया गया है और यहाँ पे डिवाइस का इंफॉर्मेशन दिया गया है। जैसे कि ये लाइट का ब्रांडिंग में आता है और मॉडल है F61F, सॉफ्टवेयर का iOS 2.0। उसके बाद यहाँ पे देखा है डाउनलोड, आप आपके हिसाब से जो डाउनलोड करते हो यहाँ पे शो करेगा। बैटरी परसेंटेज यहाँ पे दिखा रहा है, अगर आप बैटरी को क्लिक करते हो तो यहाँ पे करंट लेवल आपको दिखाएगा। पावर सेविंग मोड ऑप्शन दिया गया है, टर्न ऑन ऑटोमेटिकली, आपका फोन ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा, आपका फोन ऑटोमेटिकली ऑफ भी हो जाएगा। यही सारा फीचर्स यहाँ पे दिया गया है। तो दोस्तों यही है जियोफोन का कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स, फीचर्स या आप कह लीजिए शॉर्टकट्स। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर कमेंट्स कर दीजिएगा आपको कैसा लगा ये वीडियो। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिएगा क्योंकि आपको ऐसा वीडियो का अपडेट मिलता रहेगा। दोस्तों आज के लिए बाय बाय, बहुत जल्द आपके साथ मुलाकात होगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वेट कीजिए। धन्यवाद। हैप्पी दिवाली।